Good evening to all media people. Today we are conducted a flag march in the area of Kishanbagh and Asad Baba Nagar and Fakir Basti because आने वाले elections है, parliament का elections next month है. आज notification भी issue करा election commission of India. तो area domination के लिए CRPF force, women force को लेके मैं ACP फरकनामा और इधर local inspector रघुनाथ एंड DI नरसिंह राव एंड SIS श्रीकांत भिक्षम और मेन पूरा हम लोग किशनबाग एरिया में फुट पेट्रोलिंग करे. कहीं को बोले तो इसका मोटिव क्या है बोले तो ये कल परसों थोड़ा एक झगड़ा हुआ था एरिया में. वो झगड़ा छोटा झगड़ा वो मर्डर के वो चले गए वैसा मर्डर हो गए तो इसलिए ऐसा ऑफेंसेस नहीं होना फर्दर ऑफेंसेस नहीं होना. जो पब्लिक को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए पब्लिक को वो हिम्मत बढ़ाने के लिए पुलिस वाले हम पुलिस वाले आपके साथ है बोल के वो लोगों को भरोसा दिलाने के लिए हम लोग ये फुट पेट्रोलिंग का कनेक्ट करे थे. वो इसमें और CRPF असिस्टेंट कमांडेंट स्टेनली मैडम भी है. शी इज़ स्टेनली मैडम असिस्टेंट कमांडेंट वो DSP रैंक ऑफिसर है. सो दिस इज दैट्स ऑल. अगर ये तीन भादुरबा पुलिस स्टेशन लिमिट से ये तीन एरियों में आप लोग पेट्रोलिंग करें फ्लैग मार्च करें. अभी जैसे कि और भादु मिट्स में महमूद नगर है, कोंडा रेड्डी गुड़ा है, नेमगुड़ा है, और भी एरिए है जैसे कि अर्शमेल है, थोड़े और एरिए है भादुरबा PSC मिट में, तो वो एरियो में भी आने वाले दिनों में क्या नहीं 100% आप जो आप बोल रहे हैं आप महमूद नगर कोंडा रेड्डी गुड़ा 100% वो एरिया में भी अपन कॉन्सेंट्रेट लेते. वो एरिया में हम लोग फ्लैग मार्च फुट पेट्रोलिंग करते हैं 100% पब्लिक को भरोसा देने के लिए. दैट इज़ अवर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ इलेक्शन पीसफुल होना चाहिए. उसके लिए हम लोग हर मिनट हम लोग कोशिश करते रहते हैं पीसफुल इलेक्शन रहना, पब्लिक भी पीसफुल रहना बोल के रहते हैं. इलीगल एक्टिविटीज़ कुछ आए तो भी उसके ऊपर नज़र रख के हम लोग उसको कंट्रोल करने के लिए मैक्सिमम वी आर ट्राइंग. सर पिछले 1-4 ऐसे क्राइम हुआ है यहाँ पे भादुरबा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में, उसके बाद भी जो सो नाइट में ऐसा लग रहा है कि पुलिस की पेट्रोलिंग कहीं ना कहीं बराबर से नहीं हो रही, जिसकी वजह से घरों के बाहर ऑटो पार्क करके कार पार्क करके वहाँ पर गांजा पिया जा रहा और शराबा पिया जा रहे, जिसके नशे की हालत में जो सो रात में ये कुछ ऑफेंसेस हो रहे हैं, तो पेट्रोलिंग और बढ़ाया जाएगा क्या सर या नहीं? जैसे 100% बढ़ा रहे भी, मगर उस दिन क्या बोलते एक व्हीकल चेकिंग का प्रोग्राम था हमारे को, वो व्हीकल चेकिंग में हम लोग पूरा बिजी था तो अपन को कॉल आया तो हम लोग पुलिस वाले रश हुआ वह कंट्रोल करे. उसके बाद वो अक्यूज को पकड़ने के लिए पुलिस वाले ढूंढते को तो वो लोग चले गए. वो मूसी रिवर है वहाँ से वो लोग पार करके उधर दूसरा एरिया में चले गए थे. तो बाद में फिर व्हीकल चेकिंग में पार्टिसिपेट करने को फिर रिटर्न आता है को तो ये इंसिडेंट हुआ. अनफॉर्चुनेटली दिस इंसिडेंट वेज हैपन. सो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होने देते. वो हम लोग अब जो बोल रहे हैं पेट्रोलिंग का इंटेंसिफाई करते, इफेक्टिव पेट्रोलिंग करते और फोर्स को भी लेकर साथ फिर के ऐसा इश्यूज नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में नए और सर के हम लोग प्रिकॉशंस मेजर्स लेके हम लोग ड्यूटी करते हैं. ओके सर, थैंक यू.